गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग नायलन के रेशे के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, नायलन का रेशा सबसे पहला रासायनिक विधि के द्वारा तैयार किया गया कृत्रिम तंतु है। नायलन के तंतु के आविष्कार के साथ ही वस्त्र विज्ञान के इतिहास में एक नए युग का आरंभ हुआ। कई वर्षों तक इस तंतु को एक जादुई तंतु के रूप में माना गया, अर्थात इसे मैजिक फाइबर कहा गया। यह एक मजबूत चमक वाला तथा आसान रखरखाव वाला कृत्रिम तंतु होता है। नायलन के तंतु की खोज E.R. ड्यू पॉन्ट डी नीमर्स एंड कंपनी द्वारा की गई। एक बार फिर से, नायलन की के तंतु की खोज E.I. ड्यू पॉन्ट डी नीमर्स एंड कंपनी द्वारा की गई। इस कंपनी के रसायन विभाग के डॉक्टर वैलेस तथा उनके सहयोगियों ने इस तंतु की खोज की। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नायलन के तंतु की खोज किसने की, तो आपका उत्तर होगा, नायलन के तंतु की खोज E.I. ड्यू पॉन्ट डी नीमर्स एंड कंपनी के द्वारा की गई। इस कंपनी के रसायन विभाग के डॉक्टर वैलेस तथा उनके सहयोगियों ने इस तंतु की खोज की। नायलन के तंतु का निर्माण एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया होती है। इसके लिए कोलतार से प्राप्त दो रासायनों, जिसमें पहला हेक्जा मिथाइलिन डाई अमीन तथा दूसरा एडिपिक अम्ल होता है, इन दोनों के संयोग से नायलन लवण तैयार किया जाता है। फिर नायलन के लवण को गर्म किया जाता है, जिससे इसके छोटे छोटे कण बड़ी कतारों में बंध जाते हैं। इन्हें पॉलीमर कहते हैं। किसको पॉलीमर कहते हैं? तो नायलन के लवण को जब गर्म किया जाता है, तो उसके छोटे छोटे कण बड़ी कतारों में बंध जाते हैं। इन्हीं कतारों को पॉलीमर कहते हैं। फिर इन्हें पिघलाकर एक पंप के दबाव से एस्पिनेरेट के छिद्रों में से निकाला जाता है। छिद्रों में से जैसे ही ये रेशे के रूप में बाहर आते हैं, हवा के संपर्क में आते ही सूख जाते हैं। फिर इन रेशों को थोड़ा नम करके ऐंठन दिया जाता है। ऐंठन के बाद अनेक रेशे निकलकर एक धागे का रूप धारण कर लेते हैं। तो कैसे नायलॉन का तंतु बनता है? तो इसके लिए प्रयोगशाला में कोलतार से प्राप्त दो प्रकार के रसायन, जिसमें पहला है हेक्जा मिथाइलिन डाई अमीन और दूसरा है
एडिपिक अम्ल, इन दोनों का आपस में संयोग कराया जाता है जिससे नायलॉन के लवण तैयार होते हैं। फिर इस नायलॉन के लवण को गर्म किया जाता है जिससे इसके छोटे छोटे टुकड़े आपस में सटते हुए बड़ी कतार में बंध जाते हैं जिसे पॉलीमर कहा जाता है। फिर इसे गर्म किया जाता है और इसे पिघलाकर एक पंप के दबाव से एस्पिनेरेट के छिद्रों में से निकाला जाता है। जैसे ही इन छिद्रों से यह पिघला हुआ पदार्थ बाहर आता है, हवा के संपर्क में आने पर यह रेशे के रूप में जम जाता है। फिर इसे थोड़ा नम करके यानी गीला करके इसको ऐंठते हुए इससे धागा बनाया जाता है। इसके बाद नायलॉन के तंतु की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। नायलॉन एक ताप सुनम्य रासायनिक रेशा है जो रासायनिक तत्वों के संयोग से बनता है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर यह एक पारदर्शी चिकना पूर्णतः गोलाकार रेशा दिखाई पड़ता है। चूंकि यह एक कृत्रिम और मानव निर्मित तंतु है इसलिए इसकी लंबाई इच्छानुसार नियंत्रित की जा सकती है, अर्थात हमारी आवश्यकता के अनुसार इसके रेशे की लंबाई निर्धारित की जाती है। यदि वस्त्र बनाने के लिए हमें छोटे तंतु की आवश्यकता है तो ऐसे में लंबे तंतुओं को काट लिया जाता है। ये तंतु चूंकि कृत्रिम विधि द्वारा बनाए जाते हैं इसलिए इसे मनचाहे रंग में और मनचाहे चमक के अनुसार हम बना सकते हैं। फाइबर ग्लास के तंतु के अतिरिक्त नायलॉन के तंतु सबसे अधिक मजबूत तथा हल्के होते हैं। इन रेशों में लोचकता का गुण बहुत ही अधिक पाया जाता है। इसके अलावे नायलॉन के तंतों में प्रतिस्कंदता का गुण भी पाया जाता है जिसके कारण इससे निर्मित वस्त्रों में सिलवटें नहीं पड़ती है। इसलिए नायलॉन के तंतु से निर्मित वस्त्र बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय होते हैं क्योंकि रखरखाव की दृष्टि से ऐसे वस्त्र बहुत ही आसान होते हैं। नायलॉन के तंतु से निर्मित वस्त्र ना तो सिकुड़ते हैं और ना ही इससे निर्मित वस्त्र के आकार में कोई विकृति आती है, अर्थात हम इसे किसी भी प्रकार से धो और सुखा सकते हैं। नायलॉन के तंतु में नमी सोखने की क्षमता नहीं होती है इसलिए यह जल्दी भींगता भी नहीं है और यदि भींगता है तो उतना ही जल्दी सूख भी जाता है। इसलिए बरसात के दिनों में
नायलॉन के तंतु से निर्मित वस्त्र पहनना बहुत ही आसान होता है क्योंकि ये वस्त्र बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। नायलॉन के तंतु से निर्मित वस्त्र भी ताप के कुचालक होते हैं, इसलिए गर्मी के मौसम में ऐसे वस्त्र पहनने पर बहुत ही अधिक गर्मी लगती है। अर्थात गर्मी के मौसम में नायलॉन के वस्त्र पहनना आरामदायक नहीं होता है। नायलॉन के तंतु से निर्मित वस्त्र का रखरखाव बहुत ही आसान होता है। इसे धोने अथवा सुखाने में किसी विशेष सावधानी की आवश्यकता नहीं होती है। नायलॉन से निर्मित वस्त्र को अधिक देर तक धूप में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे इसके रेशे कमजोर पड़ जाते हैं तथा इसके रंग भी फीके पड़ सकते हैं। अब है इसकी रासायनिक विशेषता। नायलॉन के तंतु से निर्मित वस्त्र पर क्षार का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात इसे किसी भी प्रकार के क्षारीय साबुन अथवा सर्फ से धोया जा सकता है। नायलॉन के तंतु पर ठंडे तथा तेज खनिज अम्ल का बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये अम्ल नायलॉन के तंतु को गला देते हैं। नायलॉन के तंतु को भी आसानी से किसी भी रंग में रंगा जा सकता है। नायलॉन के तंतु से निर्मित वस्त्र पर कीड़ा अथवा फफूंदी नहीं लगता है, अर्थात अधिक दिनों तक स्टोर करने पर नमी थोड़ा बहुत नमी होने के बावजूद भी इसके वस्त्र खराब नहीं होते हैं। अब हम नायलॉन के तंतु की उपयोगिता के बारे में जानेंगे। बच्चों, नायलॉन एक कृत्रिम तंतु है जिसे मानव अपनी सुविधा अनुसार तैयार करता है, इसलिए नायलॉन के तंतु से बने वस्त्र कोमल, मुलायम, हल्के तथा टिकाऊ होते हैं, जिसका हम दैनिक जीवन में आसानी से पहनने ओढ़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। नायलॉन के तंतु पर रगड़ने अथवा क्षारीय पदार्थों से धोने का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसे धोना भी आसान होता है। इसके वस्त्र पर सलवटें नहीं पड़ती है, इसलिए इस पर बार बार इस्त्री करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। आसान रखरखाव के कारण आधुनिक समय में व्यक्ति के व्यस्त जीवन में नायलॉन के वस्त्र काफी लोकप्रिय हो गए हैं। प्रत्यास्थता तथा लोचकता के गुण के कारण नायलॉन के वस्त्र शरीर के उभारों तथा गहराइयों के अनुसार रूप धारण कर लेते हैं।
नायलॉन से फ्री साइज के होजियरी के वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे जुराव, बनियान, स्लैक्स इत्यादि। नायलॉन के तंतु से निर्मित वस्त्र लंबे समय तक अपनी शक्ति तथा आकृति बनाए रखते हैं। सालों साल पहनने पर भी ये आसानी से फटते अथवा खराब नहीं होते हैं। इस तंतु से निर्मित वस्त्र पर फफूंदी अथवा कीड़ा नहीं लगता है, इसलिए इसे संग्रह करना और संभाल कर रखना भी आसान होता है। तो इस प्रकार आज हमने नायलॉन के तंतु के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।